बस्तर में परिवहन संघ ने जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अधूरे फोर लेन सड़क पर टोल लेने के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है। सैकड़ों की संख्या में संघ के सदस्य घटलोहंगा स्थित टोल प्लाजा पहुंच रहे हैं। संघ के लोगों को स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों का भी समर्थन अब मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बस्तर परिवहन संघ ने यह चक्का जाम किया है। अधूरी फोर लेन सड़कों पर टोल लिए जाने के विरोध के चलते ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आशुतोष जुड़ गए ताजा जानकारी के साथ। आशुतोष, जब जिस तरह से टोल टैक्स लिया जा रहा है, जब सड़कें ही अधूरी पड़ी हैं, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टोल टैक्स की जो राशि है उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो फिर टोल टैक्स किस वजह का? देखिए, इसी क्रम में ही आज जिस तरीके से बस्तर परिवहन संघ के लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है और लगातार विरोध करते आ रहे हैं कि जैसे कि केसकाल और धमतरी के बीच जो लंबे सफर लंबे रोड में अधूरे काम पड़े हुए हैं, यहाँ पर मरम्मत भी नहीं हुई है और पूरी तरह से जो रोड है फोर लेन रोड बनाई गई थी लेकिन यहाँ पर अभी पूरी नहीं हो पाई है काम, और यहाँ पर 3 टोल टैक्स नाके शुरू कर दिए गए हैं जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी विरोध है। और बस्तर परिवहन संघ जो एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ माना जाता है, उसका यहाँ पर विरोध नजर आ रहा है। जिस तरीके से ट्रकों में लगातार यहाँ पर टैक्स लेने का यहाँ पर काम सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो टोल टैक्स है ये जबरन का पैसा वसूलने का यहाँ पर मामला सामने आ रहा है। इसी विरोध में यहाँ पर बस्तर परिवहन संघ ने चक्का जाम किया। लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम था इसमें और कहीं ना कहीं अगर ये टोल टैक्स अभी बंद नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन में पूरे मामले में हस्तक्षेप किया गया। अभी तक फिलहाल तो किसी का भी हस्तक्षेप यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बस्तर परिवहन संघ एक बड़ा संघ है तो ये कहीं ना कहीं मांग करेंगे कि टोल टैक्स अभी फिलहाल के लिए बंद किया जाए। टोल टैक्स अथॉरिटी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना आशुतोष? आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, टोल टैक्स अथॉरिटी का क्या कुछ कहना है? देखिए, उनके उनके पास क्या है, ऊपर से कोई आदेश नहीं आ पाई है और जो टेंडर हुआ था टोल टैक्स का वो फिलहाल टोल प्लाजा में वसूली करने का ही हुआ था और इसका विरोध लगातार बस्तर परिवहन संघ कर रहा है और आगे अगर ये टोल टैक्स नहीं बंद होता है तो इसका उग्र आंदोलन कर ये टोल टैक्स बंद करवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जब रोड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही ये टोल टैक्स नाका चालू किया जाए, इसका बस्तर परिवहन संघ का मांग है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।